नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्म आदि जर्नलिस्ट में। मैं आर्यन आपसे बात कर पा रहा हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के विकास खंड मझोली के नंदग्राम से। तो मैं आज की वीडियो में आपसे मटर की खेती के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि रबी का सीजन ख़त्म हो चुका है और धान अपनी कटने वाली अवस्था में आ चुकी है और खरीफ की फसल की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में हमने अपने खेत में मटर की खेती की हुई है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे किस तरीके से आपको मटर की खेती करना है और किस तरीके से आपको मिट्टी की जुताई करनी है, मिट्टी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, आपको पानी कितनी अवधि में देना है, कितना देना है, कैसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है और किस वैरायटी का मटर आपको लगाना है जिससे आपको बेहतर उत्पादन मिल सकेगा। तो आज की इस वीडियो में इन सारे मुद्दों पर आपसे हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा 3 एकड़ का खेत है, हमने इस पर मटर की खेती की हुई है। हमने पिछले 2 हफ्ते पहले इसमें हमने ये मटर की बुआई की थी और अभी ये 2 हफ्ते का मटर हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मटर कुछ इस अवस्था में है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पहले बिंदु पे हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से खेत की मिट्टी को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है मिडिल अक्टूबर से, 15 अक्टूबर के बाद से हमारे क्षेत्र में मटर की खेती की शुरुआत होने लगती है। हमारे किसान भाई खेतों को तैयार करके और बीज को तैयार करके खेतों में बुआई की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करने के लिए आपको बेहतर तरीके से कम 2 बार मिट्टी को जुताई करना है। आप प्लाव का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लाव गर्मी के पहले, जब बरसात लगने के पहले प्लाव कर दिया जाता है खेत में, जिससे मिट्टी जो नीचे की मिट्टी है वो उस पर पूरे गर्मी भर बेहतर धूप लग सके, जिससे क्या होगा कि जो कीट वगैरह हैं, फंगस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मिट्टी से मर जाए, हमारे खेत में खरपतवार भी ना हो। तो सबसे पहले बेहतर तरीके से आपको खेत की जुताई कर लेना है, 2 बार कम से कम आपको जुताई करनी है। उसके बाद आपको रोटरी चलाना है, हमने खेत पर रोटरी चलाई। अब बात आती है कि रोटरी क्यों आवश्यकता होती है, आखिर रोटरी खेत में क्यों चलाई जाती है। रोटोवेटर चलाने से क्या होता है कि जो बड़े जैसे जो सॉइल के जो डिगले होते हैं, इसका क्या होता है, टेक्सचर जो होता है बहुत बड़ा होता है। टेक्सचर बड़े होने के कारण क्या होता है कि कई बार पानी चलाने में सहूलियत नहीं जाती, या हम खेत में जब बुआई कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, पौधा निकलने में दिक्कत जाती है। इसीलिए आप रोटोवेटर चला देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है और पानी चलाने में हमें जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो बहुत बहुत आसान होता है। और तो इस तरीके से आपको 2 बार जुताई करके 1 बार रोटरी चला देना है, उसके बाद फिर आपको सीड ड्रिलिंग करनी है, उसके बाद स्नोइंग करनी है, आपको बुआई करनी है। तो आप बेहतर तरीके से नए यंत्र जो आ चुके हैं सीड ड्रिल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक वैरायटी के बारे में, हमने लगाया है मटर की जो वैरायटी, एक बेहतर वैरायटी है, कम दिनों वाली एक ये फसल है, इस वैरायटी का कम दिनों वाली है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो मटर होता है, मटर अक्सर 70 दिनों का होता है, मतलब ये जो फसल है 70 दिनों के बाद हमें प्रोडक्शन देना चालू कर दिए, हम 70 दिन के बाद इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। पर हमने जो मटर की वैरायटी लगाई है उसका नाम है Agita 7, जो कि 60 से 65 दिनों का ये मटर है। बहुत जल्दी ये आ जाता है, अच्छा उत्पादन देता है। इसकी अगर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो ये जो मटर है, अक्सर क्या होता है, मटर सबसे ज़्यादा वाटर सेंसिटिव होता है। अगर पानी बेहतर तरीके से सही टाइमिंग पे या सही रेशियो पे अगर पानी नहीं देते हैं मटर को तो ईज़िली ये ख़राब हो जाता है। पर Agita 7 जो मटर है, इसकी विशेषता है कि ईज़िली ख़राब नहीं होता, तो हमने उसकी खेती की हुई है। हम बता दें कि आपको अगर कैलकुलेशन की बात बता दूं कि आपको कितना मुनाफा तक मटर की खेती से हो सकता है, तो जो मटर होता है, जो जैसे हमने Agita 7 लगाया हुआ, तो पर एकड़ में इसका जो कल्टीवेशन है, इसका प्रोडक्शन है, वो 30 से 32 किलो तक ये प्रोडक्शन दे सकता है। तो अगर आपने जैसे हमने 3 एकड़ में खेती की हुई है, और अगर रेट की बात करें तो मार्केट में जो मटर का रेट होता है 20 से 30 रुपए पर केजी रेट होता है। तो अगर हमने जैसे 3 एकड़ में खेती की और आपने 5 एकड़ का मोटा हिसाब लेके चले कि आप 5 एकड़ में खेती करते हैं, तो पर एकड़ में आप 1.5 लाख से 1.5 लाख तक का प्रोडक्शन ले सकते हैं, मतलब
आप एक 3 महीने की फसल में 1.5 लाख का प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मटर और मटर को 2 तरीके से आप बो सकते हैं। या आप मटर को राइपनिंग के लिए छोड़ दें, मैच्योर हो जाए, देन आप उसका उसकी कटाई करें, हार्वेस्टिंग करें, नहीं तो आप ईडली वीकली आप तोड़ करके भी मार्केट में मटर को बेचा जा सकता है। तो इस तरीके से आप बेहतर खेती कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की खेती से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।